नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ खाया और बॉडी ने इंस्टेंट रिएक्ट किया, यानी कि खाने के बाद उल्टी या उल्टा असर हुआ? अमित, बहुत बार हुआ है, सच पूछिए। और मेरे साथ तो जैसा कि मैंने बोला, ऐसा बहुत बार हुआ है। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, और कुछ लोगों को तो मैं जानती भी हूं कि कुछ चीज उन्होंने खाई और खाने के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल तक जाने की नौबत आ गई। लेकिन मुझे आज तक अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई। लेकिन दरअसल होता क्या है, आपको हम बताते हैं। दरअसल इम्यून सिस्टम जो है वो शरीर को किसी भी बाहरी हमले से बचाता है। वो किसी भी ऐसी चीज जिसको खास खाने पीने की चीजों को लेकर अल्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, जो आपका पेट होता है, उन चीजों को शरीर के लिए खतरनाक समझने लगता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज कर लेता है जब आप उसे खाते हैं। और यही वजह भी है कि जब भी खाने पीने की जिस चीज को लेकर इम्यून सिस्टम अमित सेंसिटिव है, उसकी एंट्री होते ही शरीर रिएक्ट करता है, बॉडी न्यू स्वेलिंग हो जाती है, और इसके अलावा वॉमिट आती है, पेट दर्द रहता है, डायरिया की परेशानी रहती है, स्किन पर रैशेस तक हो जाती हैं, और सांस लेने की तकलीफ भी लोगों को होने लगती है। बिल्कुल ठीक। अगर जैसे कि मिठाई का एक टुकड़ा खाने से सिरदर्द हो जाता है कई लोगों को, गेहूं की रोटी जब खाते हैं तो पेट में दर्द महसूस करने लगते हैं, और कई लोगों को तो मूंगफली खाने के बाद सांस की दिक्कत होने लगती है, और दूध पीने से कई लोग कहते हैं कि हमें उल्टी आती है, हम नहीं पीते हैं दूध। तो समझ लीजिए कि आपको ये फूड एलर्जी है। आपको बताएं कि देश में हर साल करीब 30,000 लोग फूड एलर्जी की वजह से अस्पताल पहुंचते हैं। भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूड एलर्जी है, जिनमें से तकरीबन 30 लाख लोगों को मूंगफली से एलर्जी है। वैसे कई बार खान पान के गलत तरीके की वजह से भी आपकी सेहत बिगड़ जाती है, और इसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है कि किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेरा मतलब है कि विरुद्ध आहार से है। बिल्कुल, विरुद्ध आहार के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है और उसी की वजह से शरीर बीमारी ना पकड़े, शरीर को कोई बीमारी ना लगे, खाने का तरीका सही हो, और वो सही तरीका क्या हो, तमाम बातें आज योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। नमस्ते स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम अमित भाई, बहुत दिनों में आप दिखाई दिए जी। स्वामी जी, ज्योत्सना जी, आपकी ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। तो प्रथम तो ये जो मेरे बाई तरफ आप जिस बालक को मेरे साथ सूर्य नमस्कार करते हुए देख रहे हो, ये एंक्रोजिंग स्पोलाइट से पीड़ित था। पिछले बार भी इंडिया टीवी पर इसको देखा था लोगों ने। अब इसने अपना एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस पूरी तरह से अच्छा कर लिया है, और ऑटोमेन डिजीज जिसको कहते हैं उसको ठीक कर लिया है। ये बड़ी बात है, और इसलिए आज ये मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर रहा है। और सूर्य नमस्कार करते करते छोटी छोटी 8-10 बातें। दूध के साथ नमक कभी नहीं लेना, चाय के साथ नमकीन और पराठा कभी मत खाना। ये गड़बड़ हो रही है इसलिए बता रहा हूं। चाय के साथ नमकीन और पराठे कभी मत लेना, खीर और रायता एक साथ नहीं लेना, और इसके साथ साथ जो बड़ी बातें 2-3 और बता देता हूं। हम अक्सर खाने में पहले पका हुआ खाना खाते हैं, पहले भारी खाना खाते हैं, बाद में ऊपर से सलाद और फल आदि खाते हैं, हलवा खीर आदि अंत में खाना चाहिए। पहले सलाद कच्चा अंकुरित खाना चाहिए, खाना चबा चबा करके खाना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। रात को दही नहीं खाना चाहिए, और खास करके जिनकी कफ प्रकृति है उनको तो दही का सेवन करना ही नहीं चाहिए। और रात को दही, यह तो कफ वाले और वात वाले रोगों के लिए तो जहर जैसा काम करता है। तो रवि के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, देखो इतना बढ़िया सूर्य नमस्कार कर रहा है। चलो बेटा, और ये सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक, ताड़ासन आदि छोटे छोटे अभ्यास हैं, यहाँ से यात्रा शुरू तो करें। हमने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का संकल्प लिया था, वो पूर्ण होने जा रहा, आज या कल में पूरा हो जाएगा 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। उसमें इंडिया टीवी की भी बड़ी भूमिका रही है। मैं कह रहा था छोटी छोटी बातें। अब जैसे खाली पेट चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, चाय और कॉफी खाली पेट पीते उससे लोगों को एसिडिटी हो जाती है,
खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े खड़े पानी पीते हो और वेरिकोज वेंस और घुटनों में दर्द हो जाता है। बैठ करके ऐसे बैठ करके पानी पीना चाहिए। सुबह का पानी जल्दी जल्दी पीना चाहिए, उसमें सलाइवा नहीं मिलेगा तो पेट जल्दी साफ हो जाएगा। बाकी पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। बातें छोटी छोटी है लेकिन इसकी महिमा बहुत बड़ी है। छोटी छोटी बातें, अब जैसे वात पित्त कफ, इसमें भी विरुद्ध आहार है। वात रोगों के लिए विरुद्ध आहार है दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें बायबादी की चीजें भारी बात चीजें नहीं खानी चाहिए वात रोगियों को। कफ रोगियों को घी ठंडी चीजें ये नहीं खानी चाहिए, लेकिन लोग घी ठंडी चीजें कफ के रोगी खाते रहते, दही खाते रहते। दही खाएं तो उसमें नमक न डालें। अब देखो ज्यादातर लोग दही में नमक डाल करके खाते हैं। नमक डालने से जो उसके हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो प्रीबायोटिक्स जो है बोलते हैं, वो सब उसके खत्म हो जाते हैं। हमारे पेट के अंदर करीब 4 ट्रिलियन जो है वो ऐसे हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जो हमें आरोग्य देते हैं। अब ज़्यादा जो लोग नमक खाते हैं, ज़्यादा तीखी खाते हैं, जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, ये सब विरुद्ध आ रहे हैं सब, उससे वो हेल्दी बैक्टीरिया पेट के मर जाते हैं। तो आज जो है अंदर के बैक्टीरिया हेल्दी रहे उसके लिए कई प्रकार के दही और दूसरी चीज़ें निकाल दिए लोगों ने बाजार के अंदर। दही के अंदर शक्कर या मधु मिला करके लेना चाहिए जी। प्रोबायोटिक्स, तो प्रोबायोटिक का काम करेगा दही, यदि उसके अंदर मिली हुई है शक्कर और प्रोबायोटिक का काम करेगा दही, यदि शक्कर मिली हुई है और हनी मिला हुआ है तो। अब ये छोटी छोटी बातें और इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। अब देखो जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ सुबह सुबह ज्यादा हैवी नाश्ता नहीं करना चाहिए, एक बार में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये सब विरुद्ध आहार में। और जिनको मैंने कहा वात रोग पित्त रोग है कफ रोग है तो उनको कोई भी तीखी चीजें मसाले नहीं खाने चाहिए, उनको खाली पेट लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, उनको जो औषधियाँ भी है वो थोड़ी मात्रा में और पानी में घोल के खानी चाहिए या सौंफ के पानी से लेना चाहिए, नहीं तो उनको भी दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी बात होती है पाचन तंत्र जिनका कमजोर है, उनको सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ तो हम बताने वाले हैं। पाचन तंत्र जिनका कमजोर है उनको एक तो मिट्टी पट्टी रखनी चाहिए। देखो ये मिट्टी पट्टी बड़ी जबरदस्त है। अब ये भाई की इंसुलिन जो है वो करीब 40 के करीब लग रही थी, अब आधी आ गई है। इसको मिट्टी पट्टी रोज रख रहे हैं, ये मिट्टी पट्टी पेट पे रख देते हैं फिर उसको ढक देते हैं। सर्दी है ना तो सर्दी भी नहीं लगेगी, ढक दो भाई इसको। तो ये मिट्टी पट्टी रखी और उसको ढक दिया ऐसे। अब ये बात तो छोटी सी है लेकिन मिट्टी पट्टी रखने से लीवर पेट आते हैं, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। सर्वकल्प कायकल्प क्वाथ पीने मात्र से, खाली पेट लिवोग्रिट लिवामृत लेने से, लिवोग्रिट या लिवामृत एडवांस, बड़ी जबरदस्त छोटी छोटी चीजें हैं ये लेकिन इनकी बड़ी महिमा है। तो ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करते करते सूर्य नमस्कार करते करते जो मूलभूत बातें हैं उसको मैंने थोड़ा सा संकेत किया। बाकी इधर जो है ये नस्य कर रहे हैं और सिरोधारा कर रहे हैं। नस्य में एक मसाज करते हैं और मसाज करके बादाम रोगन अणु तेल या सरसों का तेल ये नाक में डाल देते हैं। अणु तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, बादाम रोगन डाल सकते हैं। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका लाभ बड़ा है, महिमा बहुत बड़ी है। सिरोधारा ये बड़ी जबरदस्त है। सिरोधारा से बड़े बड़े मस्तिष्क के रोग, पार्किंसंस पैरालिसिस अल्जाइमर डिमेंशिया सेरेब्रल पैलिसी और भयंकर से भयंकर सिर में दर्द से लेकर के एपिलेप्सी तक की प्रॉब्लम में जिनको नींद नहीं आती उसमें अप्रतिम लाभ होता है। और ये जो लीज थेरेपी है, जैसे इस बहन को अभी वेरिकोज वेंस शुरू हुआ था, ये वेरिकोज वेंस भी जो है वो विरुद्ध आहार से ही होता है और ज़्यादा खड़े रह करके काम करने से। और जो कभी भी ये जैसे जो सर्वांगासन कर लेंगे उनको कभी भी, आधा तो सभी कर सकते हैं ना, इतना 2-3 मिनट ऐसे सर्वांगासन कर रहे, अर्धहलासन कर ले, और जो कर सके फिर वो ऐसे सर्वांगासन कर ले या हलासन कर ले। इतना करने से कभी भी जिंदगी में सीधे तो सभी खड़े रहते, 2-5 मिनट ऐसे उल्टा भी लटकना चाहिए सर्वांगासन में या शीर्षासन में। ज्योत्सना जी तो दोनों ही बहुत अच्छे कर लेती है, और अमित भाई आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर लो, उसी से गुजारा हो जाए जी। स्वामी जी भाई। अच्छा, इम्यूनिटी में किसी भी तरह की जो गड़बड़ी ना आए और जो ये एलर्जी है वो भी ना हो, इसके लिए कौन से हम योग कर सकते हैं रोजाना?
रोजाना जो 1-2 मिनट शीर्षासन, 1-2 मिनट ही सर्वांगासन और 2-2, 5-5 मिनट ही भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी 100% अच्छी रहेगी। अब लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर वर्षों वर्षों अनुसंधान कर रहे हैं कि जो है ये धूप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अरे धूप कर लो, इसमें दिक्कत क्या है? अब आप जो है हमें यहाँ धूप करते हुए देखते हैं, इस धूप से तमाम तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज से लेकर के, अब जैसे मैं बता रहा था रवि, इसने हवन के साथ ही यज्ञ के साथ ही योग किया, एंक्रोजिंग फ्लाइटिस अच्छा कर लिया। ये दूसरा देखो, ये दूसरा हवन कर रहा है, करो नशे करो, ये भी हवन है। गाय का घी और मुलेठी या मधु इष्टि मिला करके और नशे कर लिया, और इससे इसका अब डायबिटीज, पहले निखिल को 60 यूनिट डायबिटीज लगते थे महाराष्ट्र से ये बालक, अब करो करो नशे करो, अब ये औषधि है इसके लिए, 60 यूनिट जो है से अब इसकी 0 यूनिट आ गई है। यक्षत जो है 50 यूनिट लेता था पहले, जब आया था तब 2 थी, अब इसकी 100% बंद हो गई है। कसवी के 28 से 2 आ गई है, कपाल भाती करो बाबू। और ये पारुल 40 यूनिट लेती थी, इसी साल इसको बुखार की दवाई ली थी, एलोपैथी की दवाइयां भी एक बीमारी हो गई है। पारुल ने जो है क्या दवाई खाई थी बेटा, पारुल है? बुखार की क्या दवाई ली थी? पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ली, और फिर कितनी दिन ली थी? 2-3 दिन ली, और उसी से शुगर कितनी निकली? उसके 1 महीने बाद शुगर थी मेरी 550, और अब यहाँ ये कब की बात है? ये फरवरी में हुई थी मेरे, फरवरी में हुई थी, और अब यहाँ ये कितने दिन हुए बेटा? 10 दिन हुए, 10 दिन। कितनी थी इंसुलिन? 14 यूनिट थी, और अब कितनी रह गई? 9 यूनिट ही रह गई इसकी। तो ये छोटी छोटी बातें, ये एलोपैथी की दवाइयाँ भी, खास करके सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड खांसी, इसके लिए दवाई, एंटीबायोटिक्स बात बात में लेते रहते, विटामिन्स बात बात में खाते रहते हैं, और पेन किलर्स और ये जितने भी स्टीराइड है, ये तो डायबिटीज के मतलब सबसे बड़े कारण बन गए। बात छोटी सी है, ठीक हो गई है बुढ़िया। तो ये आज मैंने कुछ लाइव एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जी, हम छोटे छोटे उपाय करके बड़ी बड़ी बीमार। अब सबसे ज्यादा गड़बड़ी एक तो यहाँ है, यहाँ पूरा पाचन तंत्र, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब कुछ है, ये कपाल भाती कर ले। फूड एलर्जी, जिनको ग्लूटेन से एलर्जी थी, ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से एलर्जी थी, दूध से, सोयाबीन से, मूंगफली से, आप अलग अलग चीजें बता रहे थे, कपाल भाती करे। कपाल भाती यदि कोई उत्थित पद्मासन में कर ले ऐसे। स्वामी जी, आपने फूड एलर्जी की बात की है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि जो बच्चों से लेकर बड़ों तक में मिलती पाई जाती है एक एलर्जी है, वो है दूध के चलते, और जिनको दूध एलर्जी है वो क्या उपाय करते हैं, इस तरह से हम आगे और भी बाकी बात करेंगे फूड एलर्जीज की। तो देखो, एक तो ये मंडूकासन या योग मुद्रासन, वज्रासन में बैठ के मंडूकासन करो बच्चों, मंडूकासन या शशकासन, और जो पद्मासन में बैठ सके तो योग मुद्रासन कर ले 5 मिनट कपाल भाती के साथ, और सर्वकल्प क्वाथ तो सभी को पी लेना है। काढ़ा पीने में दिक्कत हो तो लिवोग्रिट या लिवामृत ले ले, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, ये 2 परम औषधियां हैं एलर्जी, किसी भी प्रकार की फूड एलर्जी के लिए, ये लिवोग्रिट और ये लिवामृत। अब ये खाली पेट लिवोग्रिट छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को 2-2 गोली, और खाने के बाद लिवोग्रिट लिवामृत एडवांस, और लिवामृत हमने शरब भी बना रखा है, जो जिसको पीना हो पी ले, लेकिन ले ले पी ले, और ये जबरदस्त है ये लिवामृत। और जिन बच्चों को दूध हजम ही नहीं होता, बड़ों को भी बहुतों को हजम नहीं होता, वो पंचकोल भी ले सकते हैं, पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सोठ, इसको पीपल जो है पंचकोल कहते हैं, 3-5 ग्राम 400 ग्राम पानी में पकाया, 50-100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। जो 100-200 ml भी दूध नहीं पी पाते, वो 1 लीटर तक पी पाएंगे। हम तो गुरुकुल में जब ज़्यादा दूध हो जाता था, कई बार मैंने बताया इंडिया टीवी पर भी, तो पंचकोल का काढ़ा पिया, 2 लीटर तक दूध पी जाया करते थे अमित भाई, 2 लीटर। अच्छा स्वामी जी,
दूध की बात अगर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ग्लूटेन का आपने जिक्र किया था, ये ग्लूटेन से भी जो एलर्जी होती है। अच्छा, अब तो बाजार में आप देखिए ग्लूटेन फ्री आटा, ग्लूटेन फ्री बिस्किट और ना जाने क्या क्या चीजें मिलती हैं जो ग्लूटेन फ्री बताई जाती हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जिस गेहूं को हम सदियों से खाते आ रहे हैं, अचानक उससे लोगों को एलर्जी क्यों होने लगी है और क्या करना चाहिए? लोगों की अंदरूनी ताकत कमजोर पड़ गई। और मैं तो एक बात कहता हूँ, ग्लूटेन फ्री के नाम पर इधर उधर की बकवास चीजें खाते क्यों हैं? अरे रागी खाओ ना, रागी खाओ, बाजरा खाओ, ये अपने आप ही ग्लूटेन फ्री हैं। और कपालभाति करो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। आंतों की इम्यूनिटी कमजोर होगी तो ग्लूटेन से भी जो है एलर्जी होगी। और मैंने कहा ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से, दूध से, किसी को दही से, किसी को और खट्टी चीजों से, पपीता कितना अच्छा, बहुत लोगों को तो पपीते से एलर्जी हो जाती है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करें और पवन मुक्त आसन करें, और जब पाचन अच्छा हो जाएगा तो खाने पीने की किसी भी चीज से एलर्जी नहीं होगी। सीधी सीधी बात है, एनर्जी बढ़ाओ, एलर्जी भगाओ। अब ये छोटा सा मंत्र है और अल्टीमेट एनर्जी मिलती है योग से। मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो सभी कर सकते हैं, और जिनको बहुत ही ज्यादा खाने पीने की चीजों से एलर्जी है ना, वो उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन 5-5 मिनट कर लें। ऐसे एक ही सप्ताह में एलर्जी दूर मेरे भाई अमित पाली। जबरदस्त स्वामी जी, मुझे लगता है कि इसमें एक चीज और आपको अभी पूछनी चाहिए जो बहुत जरूरी मेरे ध्यान में आ रही है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप किसी तरह के डिप्रेशन में हैं तो आपको फूड एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात बहुत ही मतलब समझ में नहीं आती, आखिर डिप्रेशन टेंशन क्या, ये संबंध क्या है फूड एलर्जी से? देखो, जब आदमी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहता है तो उसका पूरा का पूरा ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और मस्तिष्क का सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब आदमी स्ट्रेस में रहेगा तो उसका प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। एंडोर्फिन, एकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। और इसलिए जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे, गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स कम होंगे, तो फिर ये अपने आप जो है फूड एलर्जी और तमाम तरह की दिक्कतें होंगी। इसलिए प्रसन्न रहें, जो प्रसन्न रहेंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई फूड एलर्जी नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ पर जब खाना खाते हैं ना, तब एक बात कही जाती है, खाना खाते समय इंसान को प्रसन्न रहना चाहिए। अन्नम न निंद्यात, अन्नम न परिचक्षित, अन्नम बहु कुर्वीत, एतद् व्रतम अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्वरूप मान करके अन्नम ब्रह्मेति ऐसा भोजन करना चाहिए, और भोजन करते समय बकबक नहीं करना चाहिए, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो प्रसन्नता, ये सारे आरोग्य का आधार है, ये सुखी जीवन का आधार है स्वास्थ्य के साथ साथ। तो मन का तो संबंध पूरे जीवन से ही है। स्वामी जी, एक और चीज जो आज के जमाने में देखने को मिलती है मॉडर्न लाइफस्टाइल में, कि ज्यादातर लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं और उस खाने को फ्रिज में हम रख देते हैं, पका हुआ खाना, उसको 1-2 दिन तक हम खाते हैं। क्या इससे वजह से भी क्या फूड एलर्जीज हो सकती है लोगों को? ये शीत पित्त से लेकर के, फैटी लीवर से लेकर के, कोलेस्ट्रोल बढ़ने से लेकर के, और जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है, और ये लाइफस्टाइल डिजीज है, बीपी, शुगर, थायराइड आदि, ये इसका एक बड़ा कारण ये भी है। एक तो खा करके, और विदेशों में तो बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़, खाना जो है पका करके फ्रिज में रख देते हैं और उसको फिर 2-3 दिन तक खाते रहते हैं, सब्जियां रख देते हैं और दूसरी चीज़ें रख देते हैं, ये गड़बड़ बात है। दूध तक को नहीं रखना चाहिए। मैं तो सामान्य आहार की भी चीज़, इमरजेंसी में कभी फ्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता, ये फ्रिज, ये एसी, ये कूलर, ये सब आदमी को कमजोर बनाने वाले हैं, इसलिए इनसे जितने बचेंगे उतना ही अच्छा है। तो आपने ठीक कहा। और एक बात और, आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा है कि आप ये जो काढ़ा बनाते हैं ना, आज भी हम सर्वकल्प कायकल्प का क्वाथ बनाने वाले ये पूरे सब प्रकार की फूड एलर्जी से, स्किन प्रॉब्लम से बचाएगा और बॉडी को डिटॉक्स बनाएगा। काढ़ा भी बोले एक बार उबाल दिया तो उसको भी दोबारा उबाल करके नहीं पीना चाहिए। ये तो जो चीजों को बार बार गर्म करते, तेल को बार बार गर्म करते हैं तो वही कोलेस्ट्रोल, ट्रिग्लिसराइड बन जाता है। अब एक उसमें पूरी तली और कुछ तला, फिर बाद में दोबारा तीसरी बार उसका इस्तेमाल करते हैं, यही तो हमारी बीमारियों के कारण है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपने ठीक कहा,
और ये बाह्य प्राणायाम तो बहुत जबरदस्त है जिनको भी फूड एलर्जी है। स्वामी जी, जी मेरे भाई, ये तो स्टोर किए हुए खाने और बार बार गर्म खाने को गर्म करके या चाय को या काढ़े को गर्म करके पीने के नुकसान के बारे में आपने बताया। अब IBS की बात करते हैं, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसके जो मरीज हैं उनको हर दूसरी चीज़ नुकसान करती है, हरी पत्तेदार सब्जियां हो या फिर दालें हो, पाचन को लेकर ऐसे लोग परेशान रहते हैं, तो ऐसे में इन लोगों को क्या करने की ज़रूरत है और क्या खाने की ज़रूरत है? देखो, जिनका भी पाचन कमजोर है वो मंडूकासन जैसे हमारे बच्चे, देखो जब से मैंने बोला 10 मिनट से लगातार करने में लगे हुए हैं, इन्होंने बीच में स्टॉप ही नहीं किया उसको। तो जिनका भी पाचन कमजोर है वे लगातार मंडूकासन जैसे हमारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसे लगातार उनको मंडूकासन या इनके परिजन पीछे जो है अक्षत की माँ कपाल भाती कर रही है। दूसरी बेटी हमारी ममता, इसके तो पूरा चेहरा काला पड़ गया था, अब इसने प्राणायाम करके एलोवेरा और गिलोय पी करके ठीक कर लिया, ये अलग बात है। तो जिनको भी IBS की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको कुटजारिष्ट पीना चाहिए। कुटजारिष्ट बड़ा ज़बरदस्त है, ये जो आसावरिष्ट हम बताते हैं ना, ये आसावरिष्ट, ये कुटजारिष्ट, अभयारिष्ट, कुमार यासव, ये आसावरिष्ट बड़े ज़बरदस्त लाभ करते हैं। तो कुटजारिष्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, जिनको बार बार दस्त लगता है, कुटज घनवट्टी चित्रगादीवट्टी भी चार चार गोली खिला देते हैं। जिनका पेट साफ नहीं होता उनको जो है अभयारिष्ट देते हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा पेट अंदर से कमज़ोर है उनको जो है ये कुमारियासव देते हैं। स्किन के ऊपर असर आ गया पेट का तो महामजिष्टार्य अध्यारिष्ट खदेराष्ट देते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। IBS के रोगियों को दूध घी और जितना भी मीठा मिठाइयाँ हैं, आर्टिफिशियल मिठाइयाँ, एक कतई नहीं खानी चाहिए। बात तो छोटी सी है लेकिन ये इतना सा कर लेते तो एक दो सप्ताह में ही हम लोगों की कोलाइटिस की प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, ये बड़ी बात है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को दूर कर देते हैं, भूख न लगना, खाते टॉयलेट जाना। दो बातें छोटी छोटी बोल देता हूँ जी। खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाने को आयुर्वेद में ये कहा है कि उस आदमी की आयु कम हो जाती है और ये अरिष्ट मृत्यु उसके करीब है। और खाने के बाद जो यूरिन के लिए नहीं जाते उनके शरीर में रोग विकार इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए खाने के बाद लघु शंका जाना चाहिए, हाथ प्रक्षालन और दंत प्रक्षालन करने चाहिए, लेकिन खाने के बाद टॉयलेट न जाना पड़े, ये पेट में गुड़गुड़ ना हो, इसके लिए योग मुद्रासन या मंडूकासन करना चाहिए और सुप्त वज्रासन या सुप्त पद्मासन करना चाहिए। जी मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछ लो। जी जी स्वामी जी, फूड एलर्जी जो है वो जेनेटिकली भी होती है, यानी कि मां से बच्चे में भी एलर्जी ट्रांसफर ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो देखो, जेनेटिक तो सारी बीमारियां होते हैं, BP, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी से लेकर के हार्ट के प्रॉब्लम से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी से लेकर के सब। इसलिए जेनेटिक स्ट्रक्चर को पूरा अच्छा करना है। तो ये जो अभ्यास अभी हम बता रहे हैं ये फूड एलर्जी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ये सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन। और फिर बहुत इजी अभ्यास है वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, ये सब कर ले। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने जेनेटिक BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम्स, जेनेटिक सारे रोग हमने ठीक किए हैं, इसलिए हम रोज यहाँ पर बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जहाँ तक कि ऑटोमेन डिजीज तक अच्छे हो जाते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा चेंज होता है योग से, इसलिए योग बहुत जरूरी है। और जड़ी बूटियों का सहज उपयोग, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, सुबह उठ करके थोड़ा पी लिया करें, गोधन अर्क ले लिया करें, गोखरू का पानी पी लिया करें, पूरी बॉडी डिटॉक्स रहेगी। शरीर के शुद्धिकरण के साथ मन के शुद्धिकरण के लिए उपवास और उपासना ये कर लिया करें, सप्ताह में एक बार उपवास सब जरूर करें। ऐसे स्वामी जी, योग से क्या फायदे होते हैं, उसका जो सजीव हम कह सकते हैं एग्जांपल, उदाहरण है, वो आप हैं, क्योंकि लगातार आपको हम देख रहे हैं कि जब से हमारा शो शुरू हुआ है लगातार आप इस शो को करते हो, एक दिन भी हमने आपको मिस करते हुए नहीं देखा। तो योग के जो फायदे हैं स्वामी रामदेव उसके सबसे अच्छे उदाहरण है। और आपको बता दें स्वामी जी, आप जो जिक्र कर रहे थे कि विरुद्ध आहार लेने पर किस तरह से पाचन हो सकता है, पाचन खराब हो सकता है, साथ ही साथ फूड एलर्जी हो सकती है, तो वो कौन से विरुद्ध आहार है जो लोगों को बचना चाहिए, इसके डिटेल जरा बता दें एक बार फिर से।
तो चलो क्रमशः 5-7 चीजें बता देता हूँ। दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए, खीर रायता एक साथ नहीं खाना चाहिए, रात को दही नहीं खाना चाहिए और दही के अंदर ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दही को गुड़ के साथ या जो है उसको शहद के साथ खाना चाहिए और पराठे के साथ में दही खाएं तो ठीक है, और वो भी रोज़ पराठा नहीं खाना चाहिए। पराठे के साथ जो है लोग चाय पीते हैं और चाय के साथ जो नमकीन खाते हैं इसका कतई सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में पहले फ्रूट और सलाद लेनी चाहिए, उसके बाद पका हुआ खाना खाना चाहिए और अंत में जो भी हलवा आदि जो भी भारी भोजन उसको सबसे लास्ट में करना चाहिए और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। जिनको पेट की दिक्कतें खास करके IBS और कोलाइटिस की अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो उनको मीठा घी और दूध कतई सेवन नहीं करना चाहिए और जिन अपने वात पित्त कफ प्रकृति देख करके व्यक्ति को रित भूक मित भूक हित भूक होना चाहिए। बातें छोटी छोटी है, खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, सुबह का पानी जल्दी जल्दी पीना चाहिए, बाकी पानी घूट घूट करके पीना चाहिए, मुंह में ऐसे ऊपर से डाल करके पानी नहीं पीना चाहिए, उससे वात रोग बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत रोगों से बच जाएंगे हम इस पानी। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं। लगातार आप विरुद्ध आहार का जिक्र करते हैं तो इसको अगर हम अपने दिमाग में छाप लें हमारे लिए बहुत अच्छा होगा स्वामी जी, क्योंकि दही का आपने जिक्र और किया। मछली के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, मांसाहारियों के साथ। हाँ, तो स्किन प्रॉब्लम होती है। स्वामी जी, दही का आपने जिक्र किया, अब दही को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। कई लोगों को रात में दही खाने से पेट दर्द, सर्दी, जुकाम की शिकायत हो जाती है और कई लोग रात को दही खाते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, और देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां दही खाया ही रात में जाता है। और साथ ही स्वामी जी, लोगों ने देखा कि चाय के साथ वो तो पराठे, कुछ ना कुछ मट्ठी, नमकीन, बिस्किट, ये तो चलन में है, इसको कैसे रोकेंगे लोग? ये गड़बड़ है, यही तो बता रहा हूं। देखो, वात रोगियों को और कफ रोगियों को तो कतई रात को दही नहीं खाना चाहिए, और जितनी भी ऑटोमेन डिजीज हो रही है लोगों को, बहुत अधिक पित्त बढ़ रहा है, त्रिदोष कारक है रात को दही खाना, खास करके गुजरात और साउथ इंडिया ऐसा है। साउथ इंडिया में लेकिन खाते हैं तो 1-2 चम्मच खाते हैं, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये जो पूरा प्याले भर भर के खाते हैं ना रात को दही, खास करके अपने उत्तर भारत में पंजाबियों के अंदर, उधर गुजराती और ये सब रात को जो दही खाते हैं, ये वात कारक है, ये कफ कारक है। जिनको कफ, कोल्ड, अस्थमा, अर्थराइटिस आदि है ना, रात को दही खा करके उठ नहीं पाते हैं, पूरा शरीर बेकार हो जाता है, लेकिन पता उनको ऐसे लगता है नहीं कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और पित्त भी बढ़ता है उससे। इसलिए इन चीज़ों से तो बचना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनली कुछ यदि अब जैसे ट्रेडिशनली ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, अनाज के नाम पर गेहूँ और चावल खा रहे हैं। मैं कहता हूँ बीमार लोगों को तो खाना ही नीचे, और ये बीमारी का घर है। कभी कभी गेहूँ चावल खाएं तो ठीक है, रेगुलर फूड में तो मोटा खाओ, और मोटा मतलब मोटा आटा और मोटे अनाज, ये मोटा खाओ, मोटा पहनो, मस्त रहो। ये छोटी छोटी बातें लेकिन इनमें बड़े स्वास्थ्य के सूत्र सन्निहित हैं। ज्योत्सना जी, अमित भाई और स्वामी जी, चाय का बता दिए, लोग तो चाय के साथ छोड़ेंगे नहीं मट्ठी या फिर बाकी चीजें, वो तो खाएंगे ही। अरे चाय के स्टॉल्स में भी यही मिलता है। ना ना, ये बिल चाय तो पहले तो खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, कलेजा फूकते रहते, फिर कहते बाबा जी एसिडिटी होगी, अल्सर बन गया, फैटी लीवर हो गया। अरे जो है महाबुद्धिमानो, लिटरेट इडियटो, ये सब काम बंद करो। और खाली पेट चाय पीना और चाय के साथ ही नमकीन, बिस्किट और उसमें सब नमक वाली चीज़ें, ये सब विरुद्ध आहार है। इसी से ही ये सब ऑटोमेन डिजीज, जेनेटिक डिजीज और ये SLEMS, ये तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है, इनसे तो बचना ही पड़ेगा। और जंक फूड, फास्ट फूड तो और ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी आपने जो बताया कि खासकर लोगों को जो आदत होती है ना सुबह बेट्टी लेने की, खाली पेट बेट्टी के बिना काम नहीं चलता। मेरे भी बहुत जानने वाले आसपास लोग हैं जिनका भी काम नहीं चलता बिना सुबह उठे चाय। सही बात, बेट्टी नहीं, वो बैड टी। अब स्वामी जी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि कई सवाल है लोगों के। वंदना का सवाल मैं लेता हूं, उन्होंने जो सवाल भेजा है, 8 साल की बेटी है और 2 साल से पेट दर्द से परेशान है, क्या उपाय है? तो उसको एक तो पिंडली दबानी चाहिए, ये पिंडली दबाएं
और उसको सर्वकल्प काढ़ा जो अभी बताने वाले हैं वो पिलाएं, अथवा लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद दे दें ये, या लिवामृत ऐसे पिला दें, ये बहुत अच्छा है। वीट ग्रास एलोवेरा ही पिला दें, वो भी पेट के लिए अमृत है। जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी सबके पेट के अंदर के जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, माने जो है प्रोबायोटिक्स जिसको बोलते हैं, ये सब के सब जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, पिंडली ऐसे दबाने से एकदम हल्के हो जाएंगे। और जो आज ऐसे ऐसे भी थोड़ा इनको ऐसे कर लें, पेट पर मिट्टी पट्टी जो हमने बताई थी, और कटी स्नान, मिट्टी पट्टी और कटी स्नान टब में बैठा दें, और थोड़ी देर 15-20 मिनट ऐसे जो पेट के ऊपर कपड़ा घुमाते रहे, और इससे एकदम अच्छे हो जाते हैं। अथवा ऐसे ही गर्म पानी में ऐसे टॉवेल भिगो दें, अभी आजकल सर्दी है तो, और ऊपर से ऐसे इसके ऊपर दूसरा कपड़ा बांध दें। सब प्रकार की पेट की दिक्कतों के लिए रामबाण है। जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन का पानी तो करोड़ों लोग पीने लगे, जिनको एसिडिटी है तो जीरा धनिया सौंफ और मेथी अजवाइन छोड़ दें, उसकी जगह मुलाठी और गुलाब के फूल डाल करके पीने, छोटी छोटी बातों से बड़े समाधान हो जाते हैं मेरे भाई। स्वामी जी, अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल पूजा ने भेजा है। पूजा लिख रही है, बाहर के खाने से पेट में गैस बनती है जिससे सिर दर्द होता है, तो क्या उपाय करें? तो पूजा बेटी, बाहर का खाना ही बंद कर दो। बिल्कुल सही। जब बाहर के खाने से गैस्ट्रिक और सिर दर्द पेट दर्द होता है तो इनके तो सवाल में ही जवाब है। और यदि खाना है तो पहले हमारे साथ 15 मिनट इंडिया टीवी पर कपाल भाती करके जाओ। बिल्कुल, पहले कपाल भाती करो, बाह्य प्राणायाम करो, अग्निसार करो, पेट को मजबूत बना लो। तो फिर कहते हैं भाई ये तो लक्कड़ पत्थर हजम है, और बच्चे हैं तो वो जो है ये मयूर आसन, मयूरी आसन भी कर सकते हैं। कहते हैं मोर जो है ना पत्थर भी खाता तो हजम हो जाता है, इसलिए मयूर आसन करते हैं हमारे। वाह, तो पूजा का भी समाधान बता दिया है। बिल्कुल। और पूजा, आपसे हम कहेंगे कि अगर आप पूरा शो नहीं देख पाई हैं तो कम से कम हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहां जाकर भी पूरा शो देखिए। स्वामी जी ने आज बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्या खाने से और क्या ही नहीं खाने से आपको फायदा मिलेगा। अब किरण का भी सवाल हम ले लेते हैं। स्वामी जी, मेरी बेटी कोई भी दाल खाती है तो उसे एलर्जी हो जाती है, क्या उपाय करें? तो ये जो दालों से एलर्जी होती है, दरअसल प्रोटीन लोगों को पेट में दर्द गैस आदि कर देता है। तो दालों में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, मूंगफली में प्रोटीन के साथ थोड़ा ऑयल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत तभी करती हैं जब आपका पाचन कमज़ोर होता है। इसलिए इनको मूंग की दाल छिलके वाली पतली खाली खानी चाहिए, और उस दाल के अंदर हींग का छूक लगाना चाहिए। हींग, जीरा और उसके साथ थोड़ी सी अजवाइन डाल दें तो उससे पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। तो दाल जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, और मूंग की दाल छिलके वाली से शुरू करें, फिर धीरे धीरे मिक्स दाल लेना शुरू करें। थोड़े दिनों तक ये उड़द, ये छोले और राजमा, इन चीज़ों से थोड़ी सा बचना चाहिए, वो भारी दालें होती हैं। तो एक बार यात्रा शुरू होगी तो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और सर्वकल्प लिवोग्रिट लिवामृत ये आज की बड़ी औषधियाँ हैं, और जिनको कुमारिया सब, पुनर्नवारिष्ट, ये सब अलग अलग चीज़ें हमने बताई, कुटजारिष्ट, अभयारिष्ट आदि, ये आसवरिष्ट भी आयुर्वेद की बहुत बड़ी औषधियाँ, इनकी भी बड़ी महिमा है। इनके बारे में हमने थोड़ा कम बताया, लेकिन ये भी इंस्टेंट बेनिफिट दे देते हैं पेट की बीमारियों में। आंतों में सूजन हो तो पुनर्नवारिष्ट, भूख नहीं लगते तो कुमारियासव, कीड़े हों तो विडंगासव, और बार बार दस्त जाने हों तो कुटजारिष्ट, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं पेट के लिए। दस्त हो नहीं लग, माने पेट ठीक से साफ ना होता तो अभयारिष्ट। जी जी स्वामी जी, दिनेश ने सवाल पूछा है, हालांकि आप इसका जवाब पहले ही बता चुके हैं, लेकिन दिनेश ये जानना चाह रहे हैं कि क्या दही के साथ पराठा खाना चाहिए या इसको खाने से नुकसान होता है? बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि आलू के पराठे के साथ दही के बिना तो चलता ही नहीं है। अमित, मगर स्वामी जी ने मना नहीं, किया दही, नहीं, दही दही के साथ पराठा खा सकते हैं। अच्छा, पराठा कोई भी अच्छी चीज खाएं। हमारे गुरुजी ने हमको एक बहुत अच्छा मंत्र दिया, एक बहुत बड़े ऋषि स्वरूप गुरुजी थे सोमानंद जी, वो कहते थे बेटा थोड़ा खाओ, मुट्ठी भर खाओ। मैं सच बोलता हूँ, आपको खाना, डायबिटीज वालों को भी मैं कहता हूँ लड्डू खा लो, रसगुल्ला, रस क्या नाम है ये, काला जामुन खा लो, क्या बोलते हैं उसको, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन खा लो, लड्डू खा लो, जलेबी खा लो, एक से ज्यादा मत खाओ। तो पराठा भी कुछ तो पांच पांच चेपते हैं पूरे, तो एक
एक पराठा खाए, थोड़ा सा दही खाए, दही के साथ कोई दिक्कत नहीं, दूध ना ले उसके साथ में। और ये खाली पेट चाय कॉफी आदि पीते हैं ना, वो जो है थोड़ा दिव्य पेय पीना शुरू कर दे, क्वास कषाय काढ़े उकाला जो हम बोलते हैं ना, आज भी बताने वाले हैं सर्वकल्प का ऐप, ये चीजें खाएंगे पिएंगे जी तो जिंदगी बहुत सुहानी होगी। स्वामी जी वक्त भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आप आज जो रोगाना आप योगाभ्यास बताते हैं लेकिन उसके साथ आप आयुर्वेदिक उपाय भी बताते हैं, घरेलू नुस्खे बताते हैं, वो बता दीजिए। तब तक जब आप पहुंचे उस जगह तक मैं ये बता देता हूं कि कल आप क्या बताने जा रहे हैं, कल किस टॉपिक पर आप बातचीत करेंगे, विपरीत हालात में भी सेहत को कैसे आप ठीक रखें, ख्याल रखें, किस योग से दूर होगा स्ट्रेस, टेंशन और एग्रेशन। 30 जनवरी बापू की पुण्यतिथि पर योग गुरु से सीखिए एंगर मैनेजमेंट, कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी देखो ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा और ये मकोई, ये हमने बहुत बार बताई है, ये फ्रेश मिल जाए तो इससे तो फैटी लिवर, लिवरोसिस, सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक अच्छा हो जाता है और पेट के एलर्जी का बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं। ये सर्वकल्प कायकल्प क्वास 10-10 ग्राम ऐसे ही डाल दिया, जिनको बहुत ज़्यादा पेट की एलर्जी है खाली सर्वकल्प ही ले लें और भूख आदि नहीं लगती है, और जिनको कब्ज भी बहुत ज़्यादा रहता है तो साथ में दोनों चीज़ें ले लें, सर्वकल्प और कायकल्प का क्वास पी लें, और इससे लोग हर्निया से लेकर के पेट की सभी बीमारियों को मिटा सकते हैं। बात तो छोटी सी है लेकिन इस छोटे से उपाय से, और जिनको बहुत ज़्यादा भूख कम लगती है तो पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, सव्य, सौंठ का, पंचकोल का भी काढ़ा पी सकते हैं, ये एक छोटी सी बात बता करके। और सुबह सुबह जो है अंकुरित लिया करें, फ्रूट लिया करें, फ्रूट जूस ले लिया करें, और जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा रहता है उनको छोड़ करके बाकी शाम को भी फ्रूट खा सकते हैं। कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो आज बहुत कुछ बता दिया है और ये काढ़ा भी तैयार हो गया है, जो ऐसे काढ़ा पी लेंगे वो जिंदगी को एकदम आनंद से जिएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कल एंगर मैनेजमेंट के लिए, योग से बढ़िया तो एंगर मैनेजमेंट के लिए कुछ है ही नहीं था। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत प्रणाम, स्वामी जी शुक्रिया, स्वामी जी प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।